आपके साथ कि हम बचपन में, आपको याद होगा कि मराठी या हिंदी जो भी भाषा पढ़ते हैं, एक व्याकरण में एक पार्ट रहता था, आपको अगर याद है, स्वर काकु भाव। वो क्या है कि एक वाक्य में अगर एक ही शब्द पर आप जोर दें तो उस वाक्य का, वाक्य की एक दिशा है वो बदल जाती है। मैं कल इंदौर जा रही हूँ, एक वाक्य अगर हम लें तो मैं कल इंदौर जा रही हूँ, प्रसन्न नहीं जा रही, मैं कल जा रही हूँ जी। तो एक एक शब्द पर मैं कल इंदौर जा रही हूँ तो उस दिशा का हमें एहसास होता है कि वाक्य में क्या कहना है। तो ये सब आप पूछेंगे कि गाने से इसका क्या रिश्ता है, तो ये भी प्रयोग मदन जी ने किया है, काफ़ी संगीतकारों ने किया है कि अगर एक शब्द उनको हाईलाइट करना है तो कुछ अलग ट्रीटमेंट उसको देंगे कि वो हाईलाइट हो जाए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये प्लेन है लेकिन रखा क्या है, प्रसन्न है का एक ही बोला है, क्या क्या शब्द का ट्रीटमेंट आप देंगे, क्या तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। पहुंचा, ये सब करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होता और होता भी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि न जानते हुए भी संगीतकारों ने कई चीज़ें की, उसकी बाद में मेरे जैसी कोई एक सुनने वाली है जो आप बोलेंगे इतना विश्लेषण क्यों, लेकिन ये कई बार न जानते हुए किया है फिर भी क्यों हुआ, क्योंकि उनका दिलो दिमाग पूरा उस लिरिक्स में, काव्य में इतना डूबा हुआ था कि उनसे ये उभर गया है। जब हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, जब हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आए आप क्यों रोए। ये वाक्य पर, वाक्य में जो शब्द है उस पर स्ट्रेस अगर आप देखो तो ये मीनिंग बन गया। जो हमने दास था अपनी सुना आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आप क्यों रोए। हमारे दिल पे आए ये सब क्यों, अगर उस पर वो जगह नहीं रखते मदन जी तो वो हाईलाइट नहीं होगी। आप क्यों, ये बात है। तो ऐसी कई सारी इतनी चीजें सामने आती है कि हम अभिभूत हो जाते हैं। जैसा डायरेक्शन का मैंने वो पॉइंट बताया आप लोगों को, उसी पर एक गाना और भी है जहाँ पर वो डायरेक्शन आरोही अवरोही, मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं क्योंकि आप जानकार श्रोता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने से उसकी ब्यूटी कम हो जाएगी, लेकिन मेरी ये आदत है क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ तो सिखाती हूँ। हम भी सब अच्छे स्टूडेंट हैं। तो शायद लोगों ने जान लिया होगा कि ये जरूर टीचर रहेगी तो मैं हूँ, लेकिन मैं आपको क्लास नहीं हूँ, आपको एक अलग दुनिया का सफर जरूर। जमीन से हमें आसमान, जमीन से हमें आसमान, तो क्या होगा असेंबली, और बिठा के गिरा तो नहीं होंगे। आइए आप सुन लीजिए। जमीन से हमें आसमां पर बिठा के
के दिल में बसा के बुला तो रखोगे ये दिल में